जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर जेटेट के एक और नियमावली को लेकर के। तो हम आपको बताते चलेंगे यहां पर जेटेट की तमाम महत्वपूर्ण यहां पर जो नियमावली आई है उसके छोटे छोटे पार्ट को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए अभी तक 4 वीडियो आपको मैं दे चुका हूं, आप सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जेटेट में किस जिले में कौन सी क्षेत्रीय भाषा लागू हुई है। आपके मन में यह उत्सुकता बनी हुई हो कि हमारे जिले में कौन सी भाषा है, वो जिले में कौन सी भाषा है, तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए जेटेट की नियमावली जो बनी है उसमें क्षेत्रीय भाषा जो है यहाँ पर आपको JSSC इसका जो यहाँ पर जैक की तरफ से किया जाएगा, तो देखिए क्षेत्रीय भाषा जो है सभी के लिए लागू किया गया है, ठीक है। तो सिर्फ 12 क्षेत्रीय भाषाओं को ही यहाँ पर स्वीकृति मिली है, और इसके पहले जो 2013 और 2016 में हुए हैं उसके पहले 15 भाषाओं की स्वीकृति दी गई थी। तो अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ पलामू, लातेहार और गढ़वा से 2 भाषा को हटाया गया है, यानी मगही और भोजपुरी को हटाया गया है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 भाषा अंगिका को भी हटाया गया है, बाकी सभी जिलों में उसी प्रकार भाषाएँ रखी गई। यानी हम भाषा की बात करें तो पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में सिर्फ एक ही भाषा में परीक्षार्थी को क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम देना होगा, और वह भाषा आपकी रखी गई है नागपुरी दोस्तों। और बाकी जिले जितने हैं आपके यहाँ पर बचते हैं 21 जिले, उसमें सिर्फ यदि आपका जिस जिला में अंगिका था उस अंगिका भाषा को हटा दिया गया है, बाकी जो है आपकी नियमावली पूर्ववत है, भाषा जो है पूर्ववत है, इसमें कहीं कुछ विशेष नहीं किया गया है, सिर्फ 3 भाषा को हटा दिया गया है, बाकी सब भाषाएँ उसी तरह से लागू होगी। तो वीडियो को जो यहाँ पर मुझे बताना था हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर किसी तरह का जेटेट से संबंधित कोई शिकायत आपको जानना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।